आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरोप्लेन। प्लीज़ अप्रिशिएट द प्रेजेंटेशन हैज बीन प्रिपेयर्ड विद ऑल सिंसियरिटी टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स वॉलंटियर्स वी वेलकम वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट ऑल सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर यूज इन एकेडमिक्स फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स प्लीज वेरीफाई एंड कोलोरेट विद योर कोर्स बुक्स फॉर बिकमिंग एन एसोसिएट एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग स्टोरी टेलिंग प्लीज गेट इन टच विद योर ब्रीफ प्रोफाइल एट buskinjoy@gmail.com। तो टाइप्स ऑफ एयरप्लेन बेसिकली तीन तरह के होते हैं, कमर्शियल, प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट प्रोपेलर प्लेन्स। ठीक है, तो इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो टाइप्स ऑफ कमर्शियल एयरप्लेन देख लेते हैं। इसमें हमारे सबसे पहले आता है जंबो पैसेंजर जेट्स। ठीक है, तो द बॉइंग 747 वॉज द फर्स्ट वाइड बॉडी कमर्शियल जेट टू अर्न द मॉनिकर जंबो जेट। तो जंबो जेट सबसे पहले जो कौन सा था, वो था बॉइंग 747। वो नेवर इमेजिन दैट सबसोनिक 747 वुड कंटिन्यू टू होल्ड पॉपुलरिटी इन लाइट ऑफ द सुपरसोनिक जेट्स इन डेवलपमेंट ऑफ एट दैट टाइम। तो बोइंग ने कभी सोचा नहीं था कि 747 जो है उनका जेट है वो कभी इतना फेमस हो जाएगा। ठीक है, नेवर दैस बोइंग वेंट ऑन सेल ओवर 1554 ऑफ दीज जम्बो पैसेंजर जेट्स। तो उसने बोइंग जो कंपनी है बेसिकली कंपनी जो जेट्स बनाती है, ठीक है, उसने 1554 टोटल जेट्स की सेल करी जम्बो जेट्स की, विच कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इंटू पैसेंजर और कार्गो प्लेन्स, जिनको कभी भी कार्गो प्लेन्स के अंदर या पैसेंजर प्लेन्स के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है इन जम्बो जेट्स को। मिड साइज पैसेंजर जेट्स जो होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो मिड साइज पैसेंजर जेट्स सच एज एयरबस 350 या फिर 1000, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है मिड साइज पैसेंजर जेट के, हैव नैरोअर बॉडी, उनकी नैरोअर बॉडी होती है, ऑल दो दे कैन स्टिल कैरी ओवर 350 पैसेंजर, दीज प्लेन्स कांट मैच द 600 पैसेंजर कैपेसिटी ऑफ बोइंग 747 इन अ सिंगल क्लास कॉन्फ़िगरेशन। अब यानी कि सिर्फ एक बार की यात्रा के अंदर जिस तरह बोइंग 747 जो है वो 600 पैसेंजर ले सकता है, पर जो मिड साइज पैसेंजर जेट होते हैं वो सिर्फ 350 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। द एयरबस A380 फर्दर ड्रॉस द नंबर विद इट्स 853 पैसेंजर। अब यह बस A380 है को भी एक जंबो जेट है, वो कितने पैसेंजर ले सकता है, 853 पैसेंजर कैपेसिटी ने सिंगल क्लास कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सिंगल टाइम जाने में। लाइट पैसेंजर जेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो इन लाइट पैसेंजर जेट रेंज द सीटिंग फॉर पैसेंजर इज टिपिकली 6200, 100 से 60 के बीच में कैपेसिटी होती है इन जेट्स की। द एम्ब्रॉयडर 175 कैन ट्रेवल 1800 माइल्स एट अ क्रूजिंग स्पीड ऑफ 545 माइल्स पर आवर। यानी कि इतनी स्पीड के ऊपर हमारे जो ये जेट है लाइट पैसेंजर जेट वो 1800 माइल्स को ट्रेवल करता है। ठीक है, और टिपिकली इतनी उसकी कैपेसिटी होती है, और उसका एग्जांपल क्या है, एम्बेरर 175। स्मॉलर साइज ऑफ लाइट पैसेंजर जेट मेक्स दैम द आइडल चॉइस फॉर इकोनॉमी एयरलाइंस जो होती है उनके लिए एक आइडल चॉइस होता है इस तरह का प्लेन। सीटिंग इज इवनली डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन ऑन ईच साइड ऑफ सेंटर एज वेल। अब सेंटर के दोनों तरफ इक्वली सीटिंग की व्यवस्था होती है। लार्जर जेट्स हैव 3 सेक्शन एंड 2 एजल्स। जो लार्जर जेट होते हैं उनके अंदर 3 सेक्शन होते हैं और 2 एजल्स होती हैं। ठीक है, पैसेंजर टर्बोप्रॉप। तो ऑल्दो टर्बोप्रॉप्स आर नॉट एज रिलायबल एज जेट इंजन्स, एयरक्राफ्ट आर मच सेफर देन ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज दे आर बिल्ड फॉर रिलायबिलिटी। अब क्या होता है, जो टर्बोप्रॉप होते हैं, ठीक है, वो जेट इंजन कंपेरेटिवली इतने बेटर नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतने सेफरटी के हिसाब से नहीं होते हैं। तो इनको मोस्टली जो ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है, जैसे कि कार्गो वगैरह ले आने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इन एडिशन, वंस द प्लेन रीच क्रूजिंग एल्टीट्यूड देयर आर नॉट मैनी फैक्टर्स विच कैन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस प्लेन डेट फ्लाई ओवर द वेदर। अब एक बार ये प्लेन जो है क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे पहुंच जाए तो उसके बाद ज़्यादा कोई नेगेटिव इफेक्ट्स के ऊपर नहीं आते हैं। ठीक है, यानी कि इसको उड़ाना आसान हो जाता है और ये आराम से वेदर के अंदर मूव कर सकता है। द फिक्शन एंड ज्योग्राफी ऑफ द टेरेस्ट्रियल लैंडस्केप एंड द वेदर आर हार्डेस्ट बर्डन ऑफ फॉर ऑटोमेटिव इंजीनियर्स टू फेस। अब लैंडस्केप, ठीक है, फ्रिक्शन और वेदर, ये तीन मेन चीज़ें हैं जो कि ऑटोमोटिव जो इंजीनियर्स होते हैं उनको फेस करनी पड़ती है प्लेन्स वगैरह या कार्स को बनाने के टाइम। कार्गो एयरप्लेन्स देखते हैं,
तो कार्गो एयरप्लेन्स हैव अ लार्जर स्कोप दैन एनी ऑफ द अदर टाइप्स बिकॉज दे आर अ कन्वर्जन ऑफ सब टाइप। अब ये क्या होते हैं, इनके जो हमने टाइप देखे उनका एक कन्वर्जन होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा स्कोप होता है क्योंकि ये सेटिंग इसमें किसी कंडी नहीं होती है, सिर्फ गुड्स को लाने ले जाने के यूज़ किए जाते हैं। एज स्टेटेड द बोइंग 747 कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कार्गो प्लेन इफ डिजायर्ड, 747 को भी कम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट द बोइंग ऑल्सो मैन्युफैक्चर जेट स्पेसिफिकली फॉर कार्गो सच एज बोइंग ड्रीम लिफ्टर। और बोइंग ड्रीम लिफ्टर जो है वो स्पेसिफिकली बोइंग कंपनी जो है वो प्रोड्यूस करती है कार्गो प्लेन्स के तौर पर। टाइप ऑफ प्राइवेट जेट देख लेते हैं, तो VLG यानी कि वेरी लार्ज जेट्स जो होते हैं तो उनमें क्या होता है, ये सबसे छोटे जेट होते हैं, तो वेरी लार्ज जेट आर प्राइमरली फॉर शॉर्ट ट्रिप्स टू रीजनल डेस्टिनेशन, रीजनल डेस्टिनेशन के लिए शॉपिंग का यूज़ किया जाता है। दे आर टिपिकली ऑफर सिटिंग फॉर अप टू 8 पैसेंजर, 8% तक की सिटिंग कैपेसिटी होती है। एडवांटेज इन जेट्स का क्या होता है, दे कैन हायर अ सिंगल पायलट टू फ्लाई दैम इंस्टेड ऑफ अ एंटायर फ्लाइट क्रू। इसमें पूरे एंटायर फ्लाइट क्रू की जगह सिर्फ एक सिंगल पायलट से ही काम चल जाता है। सब मॉडल ऑल्सो बूस्ट ऑफ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट आर ऑन पार विथ टर्बो प्रॉप प्लेन्स। अब टर्बो प्रॉप प्लेन्स की कंपेरेटिवली ये प्लेन्स काफ़ी किफ़ायती भी होते हैं क्योंकि क्या होता है, इनकी लो कॉस्ट होती है ट्रेवल करने की काफ़ी। लाइट बिजनेस जेट के बारे में देख लेते हैं, सम लाइट बिजनेस जेट आर कैपेबल ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल फ्लाइट ऑफ 2400 नॉटिकल माइल्स और मोर, ठीक है। अब इतने नॉटिकल माइल्स से ज़्यादा की भी फ्लाइट्स को ये लाइट बिजनेस जेट ट्रैवल कर सकते हैं एक बार में, कैपेबल होते हैं। द डेफिनेशन ऑफ लाइट बिजनेस जेट इज डेट द मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज 20,000 lbs, यानी कि 20,000 pounds। अब यानी कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जिस जेट का इतना होगा, ठीक है, वो किस कैटेगरी में आएगा, लाइट बिजनेस जेट की कैटेगरी में आएगा। कंपेयर टू जस्ट हाफ डेट फॉर एवरी स्टेट फॉर वेरी लाइट जेट, ठीक है, इसकी हाफ कैपेसिटी क्या किसकी होती है, वेरी लाइट जेट की। एंड मोस्ट लाइट बिजनेस जेट कैन स्टिल मेंटेन एन एवरेज क्रूजिंग स्पीड ऑफ अबाउट 500 mph। 500 mph की एवरेज क्रूजिंग स्पीड को भी मोस्टली सारे लाइट बिजनेस जेट जो होते हैं मेंटेन कर लेते हैं। मिड साइज बिजनेस जेट के बारे में देख लेते हैं, तो मिड साइज बिजनेस जेट जो होता है वो कंफर्टेबल सिटिंग कैपेसिटी प्रोवाइड कराता है अप टू 10 passengers के लिए। यू विल फाइंड दैट द लग्जरीज एंड एमिटीज ग्रो विथ ईच क्लास, ठीक है, क्लास के साथ साथ जैसे जैसे जेट के साइज बढ़ते जाएंगे उसके साथ लग्जरी और एमिनिटीज बढ़ती जाएंगी। वाइल दे आर ऑल ओवर अराउंड 500 mph एट अ क्रूजिंग स्पीड एंड ऑफर द एबिलिटी टू लैंड ऑन स्मॉल रनवेज, अ मिड साइज जेट हैज लार्जर पार्टीज इन माइंड फॉर लॉन्गर ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रिप्स। अब ये मिड साइज जेट जो होते हैं, मिड साइज बिजनेस जेट जो होते हैं, वो बेसिकली ज़्यादा डिस्टेंस की और ज़्यादा लोगों की यानी कि 10 लोगों तक कैपेसिटी की को दिमाग में रखे ही बनाए जाते हैं। हैवी बिजनेस जेट के बारे में देख लेते हैं, तो ये जो जेट होते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट किए जाते हैं लार्जर कमर्शियल एयरलाइन के जेट्स के अंदर, इनको लग्जरी एयरलाइंस के अंदर, ठीक है, यानी कि जो बड़े जेट होते हैं कमर्शियल एयरलाइंस के उनको कन्वर्ट किया जाता है लग्जरी लाइनर्स के अंदर। एडवांटेज ऑफ हैवी बिजनेस जेट इज एबिलिटी टू कंडक्ट फुल स्किल मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेज, इनके अंदर पूरी मीटिंग कॉन्फ्रेंसेज वगैरह भी हो सकती है। दे अकोमोडेट एनी वेयर फ्रॉम 10 to 18 passengers एंड एबल टू फ्लाई एट हाई एल्टीट्यूड, ये 10 से 18 passengers कैरी कर सकते हैं आराम से और हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकते हैं अबव द वेदर फॉर मैक्सिमम कम्फर्ट एंड रिलेबिलिटी। इनके लिए क्या होता है, मैक्सिमम कम्फर्ट रिलेबिलिटी ही मेन पॉइंट ऑफ फैक्टर कंसिडरेशन होता है। मिलिट्री जेट के बारे में देख लेते हैं, ऑल्दो इट वुड नॉट बी legal for you to own a fully armed F-18 Hornet, military jets are among the best performance airplanes on the market. अब ये जो होते हैं best performance planes होते हैं क्योंकि इनकी स्पीड की वजह से, और legal किसी के लिए भी नहीं है अगर मिलिट्री को हटा दिया जाए तो fully armed F-18 Hornet जेट का नाम है वो सब रखना या फिर कोई भी अलग तरह का मिलिट्री जेट रखना। मोस्ट मिलिट्री जेट्स आर सुपरसोनिक फाइटर जेट्स डेट आर यूज टू एंगेज विद एनिमी कॉम्बैट्स, ठीक है, अब ये बॉम्ब वगैरह गिराने के लिए या फिर जब एनिमी से कॉम्बैक्ट होती है देश की उनमें इनका यूज़ किया जाता है। टाइप ऑफ प्रोपेलर जेट्स प्लेन, तो प्रोपेलर प्लेन के अंदर देखते हैं प्राइवेट सिंगल इंजन वाला, ठीक है, तो अ सिंगल इंजन प्रोपेलर प्लेन इज सूटेबल फॉर डिस्टेंस ऑफ 100 to 500 miles के लिए सूटेबल होता है। टू गो एनी फर्दर डेफ यू विल प्रोबेबली नीड अ टर्बो प्रॉप इंजन डेट इज रूटेड फॉर ट्रेवल ऑफ 1200 miles और मोर। अब 1200 miles और मोर जब ट्रैवल करना होगा तो उसके लिए टर्बो प्रोप इंजन वाला जेट आपको लेना पड़ेगा। ट्विन टर्बो प्रोप में क्या होता है,
जैसे कि इसमें दो टर्बो प्रोप लगे हैं, तो ऑल दो द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ टर्बो प्रोप इज मोर ऑन पार विद अ जेट, जेट कंपेयरटिव की कॉस्ट ज़्यादा होती है, दे ऑफन हैव अ लार्जर हॉलिंग कैपेसिटी दैन मैनी लाइट जेट्स। अब मैनी लाइट जेट्स कंपेयरटिवली इनकी कैपेसिटी कैरी करने की ज़्यादा होती है, ठीक है, पैसेंजर वगैरह कैरी करने की। द टर्बो प्रोप जेट इंजन्स कैन ऑल्सो डाइव एंड क्लाइंब स्ट्रेट अप विद स्टेलिंग आउट। द की एडवांटेज ऑफ द ट्विन टर्बो प्रोप इज एबिलिटी टू लैंड इन ग्रासी फील्ड्स और अदर मार्क शिफ्ट रनवेज। अब होता है कि इनका जो मेन एडवांटेज होता है वो ये होता है टर्बो ट्विन प्रॉप, ट्विन टर्बो प्रॉप का, कि ये ग्रासी फील्ड वगैरह पे लैंड कर सकते हैं, ठीक है, और इनको ज़्यादा रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एरोबेटिक में देख लेते हैं, तो दिस प्लेन्स आर फास्ट एंड परफॉर्म स्टंट्स इन द एयर सच एज डाइव्स एंड रोल्स। डाइवर रोल करने के लिए देख सकते हैं इस तरह के प्लेन का यूज़ किया जाता है एरोबेटिक प्लेन्स का, बिकॉज दे आर वेरी लाइट एंड ईजी टू मैन्यूवर, ये कंट्रोल करने में काफ़ी ईजी होते हैं, ठीक है, वेरी लाइट होते हैं। दे आर ऑफन इन्वॉल्व इन कैरोग्राफिक ड्रिल्स, कैरोग्राफिक ड्रिल करने में भी इनका यूज़ किया जाता है, यानी करतब दिखाने में। एम्फीबियस, एम्फीबियस जेट जो होते हैं पानी पे भी चल सकते हैं और हवा में भी उड़ सकते हैं। एम्फीबियस एयरक्राफ्ट आर स्पेशल डिजाइन टू टेक ऑफ एंड लैंड इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड सीज, ठीक है, सीज वगैरह फ्रेश वाटर लेक में भी उतर सकते हैं और चल भी सकते हैं उनके अंदर। सम प्लेन्स कैन इवन बी फिटेड विद न्यू स्टैडार विंड प्रूफ टू हैंडल अ लैंडिंग ऑन टेरेन कवर्ड बाय स्नो और आइस। अब कुछ के अंदर क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं लैंडिंग के अंदर क्या करते हैं, जो लैंडिंग के पैड होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं टेरिन से कवरिंग कर देते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है ये स्नो या आइस के ऊपर भी क्या कर सकता है लैंड कर सकते हैं इस तरह के प्लेन, एम्फीबियस प्लेन। टूरिज्म टू रिमोट एरियाज़ में ऑल्सो रिक्वायर द यूज़ ऑफ एम्फीबियस एयरक्राफ्ट। अब जो रिमोट एरियाज होते हैं वहाँ के पहुँचने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। मिलिट्री टर्बो प्रॉप्स में देख लेते हैं, तो मिलिट्री टर्बो प्रॉप इज स्टिल डेवलपिंग एंड यूजिंग टर्बो प्रॉप प्लेन फॉर कार्गो ट्रांसपोर्ट एंड वेरी लाइट एंड सॉरी एंड लाइट अटैक फाइटर्स, लाइट अटैक फाइटर और कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए इनका यूज़ किया जाता है और अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है ये सारे प्लेन्स काफ़ी। बिकॉज द टर्बो प्रॉप्स प्रोवाइड बेटर फ्यूल इकोनॉमी एंड अ चीपर टू मैन्युफैक्चर। अब ये चीपर होते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है, बेटर फ्यूल इकोनॉमी प्रोवाइड करते हैं, इस कारण क्या होता है इनको उन रीजन के अंदर डिप्लॉय किया जाता है जहाँ पे लाइट ड्यूटी फाइटर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। दे आर स्टिल प्रेफर्ड ओवर जेट्स इन सम एप्लीकेशन। अब कुछ कुछ जगह पे जेट्स की जगह इनका भी यूज़ किया जाता है जहाँ पे लाइट ड्यूटी फाइटर की ज़रूरत हो। लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ मिलिट्री एयरप्लेन्स कौन से हैं, तो वो है लॉकहीड मार्टिन यूएस, बोइंग्स यूएस, ठीक है, बेयर सिस्टम, रेथन, नॉर्दर्न, नॉर्थ ग्रुप, ग्रूमन, जनरल डायनामिक्स, एयरबस ग्रुप, ठीक है, यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज। अब मोस्टली इसमें सब क्या है, सारे के सारे यूएस या फिर यूके की ही हैं। लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ सिविल एयरलाइन प्लेन्स। अब सिविल प्लेन्स के अंदर तो जो है वर्ल्ड के अंदर मेजर जो बनाते हैं एयरक्राफ्ट वो बनाते हैं बोइंग और एयरबस, ठीक है, ये दोनों सबसे मेन हैं। अब बोइंग की 7 सीरीज़ जो है और एयरबस की ए सीरीज़ की जेट है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, इन कंपनी के। एचएएल तेजस, तेजस के बारे में देख लेते हैं, तेजस भी इंडिया के पास है। द एचएएल तेजस इज एन इंडियन सिंगल इंजन डेल्टा विंग फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट, ठीक है, सिंगल इंजन होता है, डेल्टा विंग होता है इसमें, फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट है, मल्टी रोल लाइट फाइटर डिजाइन बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इनको बनाया है, इन दो कंपनी ने मिलकर उसको बनाया है, किसके लिए, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए। मेक इन इंडिया फोकस ऑन चैलेंजेस, तो इसके चैलेंजेस क्या है मेक इन इंडिया के और इसका फोकस क्या है, तो क्रिएटिंग हेल्दी बिजनेस इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, ठीक है, लैक ऑफ रिसर्च, थोड़ी लैक इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब इसके कारण है मेक इन इंडिया के, इनको हमें कम करना है, ठीक है, और क्या करना है, यही हमारा फोकस भी है। चैलेंजेस भी हमारे ये है, जैसे कि हमारा चैलेंज ये है कि हमें रिसर्च में जो लैक है उसको कम करना है, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट को बढ़ाना है, हमें डेवलपमेंट स्किल्स करना है, क्रिएटिंग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिवनेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर ग्रुप्स, ठीक है, और सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ चैलेंजेस डेटा द इंडियन मैनेजर्स विल फेस बिकॉज ऑफ कैंपेन कॉल्ड मेक इन इंडिया। हाउ इट इज़ कंट्रोल प्राइवेट एंड कमर्शियल प्लेन्स, कमर्शियल प्लेन को किस तरह से, फिर जो प्राइवेट प्लेन होते हैं उनको भी किस तरह से ATC कंट्रोल करता है, तो टास्क ऑफ इंश्योरिंग सेफ ऑपरेशन ऑफ कमर्शियल एंड प्राइवेट एयरक्राफ्ट फॉल्स ऑन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है, इनके पास ही होता है कंट्रोल इसका भी, तो दे मस्ट कोऑर्डिनेट द मूवमेंट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट, कीप देम एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। थाउजेंड क्राफ्ट को इनको कोऑर्डिनेट करना होता है, इनको सेफ डिस्टेंस पे ईच अदर से रखना होता है,
डायरेक्ट करने डैम करना होता है ड्यूरिंग टेक ऑफ, ठीक है, उनको बताना होता है कि लैंडिंग किस एयरपोर्ट पर करनी है, किस तरह से करनी है, उनको डायरेक्ट करना पड़ता है उस टाइम भी, बैड वेदर कंडीशंस के बारे में उनको समझाना पड़ता है, एंड इंश्योर डैट ट्रैफिक फ्लोस स्मूथली विद मिनिमम डिलेज, और ट्रैफिक मिनिमम डिलेज के साथ आराम से चलता रहे, ठीक है। अब सिविल प्लेन्स और मिलिट्री प्लेन्स के बीच में किस तरह डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, ATC, तो मिलिट्री प्लेन्स जो होते हैं, ठीक है, डू हैव ट्रांसपोर्टर्स डैट कैन रिले टू सिविल ATC रडार, ठीक है। नॉर्मली मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग सिविल एयरस्पेस आर विजिबल टू सिविलियन ATC एंड अलर्ट्स इफ दे आर गेटिंग क्लोज टू एयरलाइनर्स। अब क्या होता है, जो मिलिट्री के एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, उनके पास ट्रांसपोर्टर होता है जो कि रिप्लाई करते हैं सिविल ATC रडार को, ठीक है। और नॉर्मली हमने क्या देखते हैं कि जो सिविल एयर स्पेस के अंदर क्या मूव करते हैं, सिविलियन एयरक्राफ्ट ही मूव करते हैं। थैंक यू।